दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पे वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को 10 से 11 रूल्स दिए थे, तो आज हम इस वीडियो में बाकी बचे हुए रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखिये, ये वो रूल्स है जो की आपको स्पॉट एयर क्वेश्चन करते समय मदद करेंगे, क्योंकि जब भी आप स्पॉट एयर के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहां पे काफी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जो कि आपके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वहां पे एडजेक्टिव के रूल्स लगाए गए होते हैं। तो वहां पे ये वीडियो आपको काफी मदद करने वाला है आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, जानेंगे सारे रूल्स के बारे में और उनको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करना है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंचते रहें। तो अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और अगले रूल देखते हैं, यूज ऑफ फ्यू मेनी सेवरल। देखिए, इनका यूज हमें किस प्रकार के करना है समझते हैं। देखिए, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं और इनको हमें कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरीके से नहीं यूज करना है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो ये वर्ड्स बताए फ्यू मेनी सेवरल, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में तो यूज होंगे, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये कभी भी यूज नहीं होंगे। अगर किसी सेंटेंस में कर लिए गए हैं तो उसी को आपको करेक्ट करना है। अब जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिये, यहाँ पे इनकरेक्ट वाला पहले, दिस बेबी हैज टेकन मेनी मिल्क। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो मेनी आया है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि ये हमें नंबर्स को दिखा रहा है। लेकिन जो साथ में इसके मिल्क लगा है ये किसके साथ यूज होता है, ये हमारा क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो नंबर के साथ क्वांटिटी का यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, मेनी की जगह पे मच का यूज कर देना है, क्योंकि मिल्क के साथ हम मच का यूज करते हैं ना कि मेनी का। तो करेक्ट सेंटेंस अब क्या बन गया हमारा, दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क। तो ये रूल इजी था, आपके समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज ऑफ फ्यू आ फ्यू द फ्यू। काफी अच्छा रूल है क्योंकि काफी बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, कब फ्यू का यूज करना है, कब आ फ्यू का यूज करना है और कब द फ्यू का यूज करना है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों ही हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि ये जब भी यूज होंगे वहां पे नंबर्स के बारे में पूछा गया होगा, यानी कि ये नंबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अब चलिए सबसे पहले फ्यू के बारे में देख लीजिए। फ्यू का हमारा मतलब होता है हार्डली एनी, यानी कि एकदम ना के बराबर। जब कोई भी चीज ना के बराबर होती है तो वहां पे आपका फ्यू यूज हो जाता है। अब देखते हैं आ फ्यू, इसका मतलब होता है हमारा सम, यानी कि कुछ। जब चीजें बहुत थोड़ी सी होती है तो आप वहां पे आप फ्यू यूज करते हैं, यानी कि ना के बराबर नहीं है, है लेकिन कुछ है, कम है। अब देखिए द फ्यू का यूज कब होता है, देखिए द फ्यू का यूज हम लोग करते हैं नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है वो क्या है, पर्याप्त है, सफिशियंट है। तो ऐसे सेंस में हम लोग द फ्यू को यूज करते हैं। एक बार फिर से देखिए, फ्यू का यूज हम लोग निगेटिव सेंस में करते हैं, यानी कि ना के बराबर। आ फ्यू का हम लोग करते हैं थोड़े के सेंस में और द फ्यू का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि थोड़ा है लेकिन जितना है उतने की ही जरूरत थी, यानी कि वो पर्याप्त था, तो उस सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं इन तीनों पे, तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ पाएगा। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे फ्यू लग गया, फ्यू का क्या मतलब है हमारा, ना के बराबर, यानी कि उसके स्कूल में कॉलेज में ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, यानी कि बहुत कम, इक्का दुक्का में भी हम कह सकते हैं। तो यानी कि फ्यू हमारा ना के बराबर के लिए यूज किया जाता है। अगला एग्जांपल देखिए, सी वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स। अब देखिए यहाँ पे आ फ्यू आ गया, आ फ्यू का मतलब हो गया कुछ थोड़ा, यानी कि उससे कुछ बुक्स की जरूरत है। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, यानी कि उसने जो भी थोड़ा बहुत बोला बहुत ही सिंसियरली के साथ बोला, यानी कि उसके जो वर्ड्स थे वो ज्यादा नहीं थे लेकिन जितने भी थे वो काफी अच्छे थे। तो यहाँ पे हमारा द फ्यू यूज में आया है। अगला रूल देखिए, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। तो चलिए समझते हैं लेस कब यूज कब करना है और फ्यूअर का यूज कब करना है। देखिए, लेस हमारा परिमाण यानी कि क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, और अगर हम फीवर की बात करें और फीवर हमारा नंबर्स को दिखाएगा, संख्या को दिखाएगा। सेंटेंस में इसका यूज किस प्रकार से होगा उसको देखिए, पहले इनकरेक्ट देखिए, पेपर में आते किस प्रकार के सेंटेंस है उसको मैंने आपके लिए पिट किया है, खाली एग्जांपल्स नहीं,
वो सेंटेंस भी देख लीजिए जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। अब देखिए यहाँ पे लेस आ गया और आपको पता है लेस हम किस लिए यूज करते हैं, लेस हम लोग परिमाण यानी कि मात्रा के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे पीपल आ गया, पीपल यानी कि लोग हो गए जिनको आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस का यूज नहीं करना, लेस की जगह पे आपको फीवर का यूज करना है, क्योंकि फीवर हमारा संख्या को दिखाता है ना कि लेस हमें संख्या को दिखाता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनने वाला है, नो फीवर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। एक और देखिए इस पे, देयर इज फीवर वाटर इन दिस ग्लास देन डैट। अब देखिए फीवर आ गया, फीवर किसको दिखाएगा, फीवर हमारा संख्या को दिखाएगा, जबकि यहाँ पे वाटर के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लेस का यूज करना चाहिए, क्योंकि परिमाण की बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी की बात हो रही है ना कि नंबर्स की बात हो रही है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा वाला, देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन डैट। अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, यूज ऑफ लेटर लेटेस्ट लेटर लास्ट। तो चलिए समझते हैं इन्हें हमें किस प्रकार यूज करना है। लेटर और लेटेस्ट का हम लोग टाइम के सेंस में यूज करेंगे और लेटर और लास्ट हमारा पोजीशन यानी कि ऑर्डर को दिखाएगा। अब एग्जांपल्स देखिए इस पे कुछ, दिस बॉय एंटर द क्लास लेटर देन रामू, यानी कि उसने रामू के बाद एंटर किया। अब यहाँ पे लेटर हमारा समय को दिखा रहा है यानी कि टाइम के बारे में बताया गया है इसमें। अगला देखिए, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, पूछा गया है कि क्या नई न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज क्या है। अब लेटेस्ट यहाँ पे किसके लिए दिखा रहा है, टाइम के लिए दिखा रहा है कि ताजी न्यूज क्या है, अभी की न्यूज, पुरानी नहीं। एक एग्जांपल और देखिए इसमें, ऑफ द थ्री ड्रिंक्स मिल्क सोडा एंड टी आई लाइक द लास्ट बेस्ट। अब लास्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट हमारा पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, स्थिति के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद अगले रूल की तरफ मूव करते हैं और इसको भी समझते हैं बहुत ध्यान से, यूज ऑफ लिटिल आ लिटिल द लिटिल। ये एकदम वैसा ही है जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक रूल दिया है फ्यू आ फ्यू और द फ्यू का, उसी तरीके से ये भी हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लिटिल आ लिटिल द लिटिल ये हमारा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, हम मात्रा के सेंस में इसका यूज करते हैं। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले लिटिल का देख लीजिए क्या है, लिटिल का हमारा मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी कि जब कोई चीज एकदम ना के बराबर होती है तो वहां पे आप लिटिल का यूज करते हैं। जैसे कि वहां पे इससे पहले रूल में मैंने आपको बताया था कि फ्यू का यूज हम लोग निगेटिव सेंस में ना के बराबर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिटिल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए साथ में, देयर इज लिटिल वॉटर इन द पिचर, मतलब घड़ी में बिल्कुल ना के बराबर पानी है, एकदम नहीं के बराबर है, तो यहाँ पे लिटिल आया है। आ लिटिल का मतलब देख लीजिए, आ लिटिल हमारा यूज होता है सर्टेन क्वांटिटी, यानी कि कुछ निश्चित मात्रा के लिए, थोड़े के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि थोड़ा ज्ञान क्या है, खतरनाक होता है। अब चलिए द लिटिल के बारे में देखिए, देखिए द लिटिल का यूज उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने दाफी को यूज किया था, थोड़ा लेकिन जितना पर्याप्त, नॉट मच बट ऑल, जितना है वो सफिशियंट है, पर्याप्त है। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, तुम्हारे पास जो थोड़ा सा मिल्क है उसे बर्बाद मत करो, उसे स्पॉइल मत करो। यहाँ पे द लिटिल का मतलब आ गया हमारा थोड़ा, लेकिन जितना है वो इनफ है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग लिटिल का यूज निगेटिव सेंस यानी कि ना के बराबर करते हैं, आ लिटिल का मतलब थोड़ा सा और द लिटिल का मतलब जितने की जरूरत थी उतना ही, ज्यादा नहीं लेकिन जितने की जरूरत थी उतना ही। अब अगले रूल की तरफ मूव करते हैं, यूज ऑफ फार्दर फर्दर। फार्दर हमारा दूरी को दिखाता है और फर्दर हमारा आगे का, यानी कि और आगे के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बहुत आसानी से समझ में आ पाएगा आपकी, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी। अब यहाँ पे जो फार्दर आया है, फार्दर दूरी को दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ही फर्दर सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग, उसने आगे कहा कि अब वो नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे फर्दर आगे यानी कि आगे के लिए, इसके आगे। एक और देख लीजिए इस पे, ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प। अब देखिए यहाँ पे फिर फर्दर आ गया, तो इसका क्या मतलब बना, और आगे, यानी कि उससे और आगे हेल्प की जरूरत नहीं है, इसके आगे उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे माना फर्दर आया। अब ये रूल आपके समझ में आ चुका होगा, तो नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करें, यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। देखिए नियरेस्ट हम लोग दूरी के लिए यूज करते हैं, नियर होता है ना करीब, उसी से बना हमारा नियरेस्ट, डिस्टेंस दिखाता है,
और नेक्स्ट हमारा पोजीशन को दिखाता है। एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है समझना। द नियरेस्ट बैंक इज 5 miles फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को दिखा रहा है, दूरी को दिखा रहा है। अगला एग्जांपल और देखिए क्या लिखा है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल। यानी कि नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट किसको दिखा रहा है? हमारा पोजिशन को, स्थिति को दिखा रहा है। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है हमारा। इल्डर इल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट। तो चलिए समझते हैं इनका यूज किस प्रकार में करना है। देखिए इल्डर इल्डेस्ट हमारा एक ही परिवार के लोगों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सेम फैमिली के लिए हम इल्डर इल्डेस्ट के यूज करते हैं। तो यानी कि अगर हम कहें भाई बहन के बीच में कौन बड़ा है, तो वहां पे हम इल्डर इल्डेस्ट का यूज करेंगे। पुत्र पुत्रियों के लिए हम इल्डर इल्डेस्ट का यूज करेंगे। अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स की मदद से देखिए। देखिए कह रहा है कि माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। यानी कि एल्डर ब्रदर यानी कि मेरा बड़ा भाई क्या है? डॉक्टर है। एक और देखिए एग्जाम्पल। हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है। यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट हम लोग सेम फैमिली के लिए ही यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किस प्रकार करना है। देखिए ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज हम लोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के सेंस में हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इस पे। रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। रवि अपने फ्रेंड से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग ओल्डर का यूज लेके आए हैं। हम यहाँ पे एल्डर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड की बात हुई है, ना कि सेम फैमिली की बात हुई है। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल क्या। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली हमारी सबसे पुरानी शहर है। तो यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट आगे ये हमारा किसके लिए यूज हुआ? इस बार हमारा ये शहर के लिए, सिटी के लिए। तो इसका हम लोग दोनों सेंस में यूज करते हैं, अगर हमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा ये रूल भी अच्छे से, किस प्रकार से हमें इनका यूज करना है। अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। सम ऑल मोस्ट एनी नो आदि एडजेक्टिव दोनों अर्थ, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या करें। ही हैज नो वाटर इन द ग्लास। अब देखिए यहाँ पे नो आ गया, ये हमारा किसके बारे में यूज हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज बॉट सम एनिमल्स। अब यहाँ पे जो आया है सम, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दिखा रहा है। Bring me some tea in the cup. अब यहाँ पे देखिए फिर सम आ गया, और यहाँ पे ये सम हमारा किसको दिखाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। यानी कि अकॉर्डिंग टू द अर्थ हम इसको कभी भी नंबर ऑफ एडजेक्टिव और कभी नंबर ऑफ क्वांटिटी में यूज करते हैं। कि अभी आप इनको समझते रहिए, और जब हम इन पे एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे मैं फिर से आपको एक रूल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सा रूल लगाया गया है। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखिए। टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ है, मतलब इसका कोई मतलब होता ही नहीं है। तो इसके स्थान पर हमें द फर्स्ट टू का यूज करना चाहिए। देखिए कभी कभी सेंटेंस में द टू फर्स्ट कह के शुरू कर देते हैं, तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसकी जगह पे आपको द फर्स्ट टू का यूज करना होगा। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से आया। द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ देख के कह नहीं सकता कि ये गलत है, लेकिन आपने रूल पढ़ा है, आपको मैंने रूल्स पढ़ा है, तो आपको पता है क्या है? द फर्स्ट टू होगा। द टू फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? द फर्स्ट टू। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अब इस रूल को देखिए क्या कह रहा है। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो। ध्यान रखिए जब भी आप बोथ का यूज एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो उसके पश्चात दी आता है। पश्चात यानी कि उसके बाद दी आएगा। सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार का आया हुआ है। द फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज। अब देखिए यहाँ पे जो बोथ आया ये एडजेक्टिव की तरीके से ट्रीट हो रहा है, तो इसके बाद हमें दी का यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे दी पहले ही आ गया है, तो इसे हमें आगे यूज कर देना बोथ के। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बना? द फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। तो ये हमारा करेक्ट हो गया सेंटेंस। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बाकी रूल्स भी दे दिए हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इन पे प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार के हमारे एग्जाम में आते हैं, और वहां पे भी मैं आप लोग को रूल्स कौन सा रूल्स किस सेंटेंस में लग रहा होगा उनको मैं आपको बताता भी चलूंगा। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग कहा था कि जब एडजेक्टिव को मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा तो वहां पे मैं आप लोग को पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पे एक चार्ट दूंगा।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए डिग्री पे, तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आप लोग को डिग्री पे चार्ट नहीं दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।